नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 में सोमवार यानी कि 8 मई को खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला। ये मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच, जो कि खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भी। अब इससे पहले ये मुकाबला हो चुका है इसी सीजन, वो हुआ था पंजाब के मोहाली में, जहां पर पंजाब किंग्स ने अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से हरा दिया था। उस मैच में बारिश आ गई थी, डीएलएस मेथड के जरिए पंजाब किंग्स को 7 रनों से जीत मिली थी। अब ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा शाम 7:30 बजे 8 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में फैंटेसी 11 टीम बनाएंगे बेहतर खिलाड़ियों को चुनकर, जिससे आप ढेर सारे पॉइंट्स कमा सकते हैं, क्योंकि जो पिछले मुकाबले हुए थे आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, हमने जिस खिलाड़ी का नाम लिया था वो खिलाड़ी चमका था। फिलिप सॉल्ट को यहां पर हमने कहा था कि वो रन बनाएंगे, उन्होंने रन बनाए। और इस वीडियो में भी हम आपको बेहतर फैंटेसी 11 टीम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब फैंटेसी 11 टीम बनाए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, इसके हिसाब से ये प्लेइंग 11 है। लेकिन यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको सुयश शर्मा भी नजर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में। पंजाब किंग्स की बात करें तो मैथ्यू शॉट और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर अथर्व ताइडे और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में शॉट तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह है, लियम लिविंगस्टन है, शाहरुख खान, जितेश शर्मा, सैम करन, राहुल चाहर, खगीसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह, ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बात करें फैंटेसी 11 टीम की तो विकेट कीपर्स में स्ट्रेट ऑप्शन रहमानुल्लाह गुरबाज है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो नीतीश राणा, रिंकू सिंह, जेसन रॉय और शिखर धवन इन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हालांकि रिंकू सिंह को अगर आप छोड़कर मैथ्यू शॉट को ऐड करें या फिर अथर्व ताइडे को ऐड करें तो वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑलराउंडर्स की बात करें तो आंद्रे रसल गेंद से अच्छे खासे पॉइंट्स आपको लेकर दे सकते हैं कोलकाता के इस मैदान पर। सैम करन है, लियम लिविंगस्टन है, अब यहां पर जेसन रॉय को मैंने कप्तान बनाया है और लियम लिविंगस्टन को उप कप्तान बनाया है। वरुण चक्रवर्ती है गेंदबाजी में, सुनील नारायण है और अर्शदीप सिंह है, ये है गेंदबाजी के ऑप्शंस। तो ये हुई फैंटेसी 11 टीम। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सूझबूझ से खेलिए, जिम्मेदारी से खेलिए और टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 आ जाती है उस हिसाब से कुछ चेंजेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइए कौन होगा आपका कप्तान, किसे आप उप कप्तान बनाएंगे और कैसी होगी आपकी फैंटेसी 11 टीम। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।